वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट किसको कहते हैं, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हम लोग सेट कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। तब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पहला डेफिनेशन है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वाइट सेट। तो ये मेरा एम्प्टी सेट का डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे कि एम्प्टी सेट कहते किसको है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1, ठीक है। x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है। ऑब्वियस है, 0 1 से छोटा होता है, लेकिन 0 मेरा नेचुरल नंबर नहीं कहलाता है, 0 मेरा होल नंबर कहलाता है। तो इसीलिए ये, अगर ये यहाँ पे देखिए, एक चीज छोड़ दिया हम, a इज इक्वल टू सेट देना है, तो a क्या होगा, मेरा नल सेट होगा। और इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, करली ब्रैकेट को खुला छोड़ देंगे या phi का यूज कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे d करके, d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू डेज एंड 8 डे ऑफ वीकेंड, ठीक है, आठवां दिन है वीकेंड का। अब आठवां दिन आता ही नहीं है, हमेशा सात ही दिन होता है, इसीलिए d क्या होगा, मेरा 5 होगा, नल सेट होगा या वाइट सेट होगा। तो ये मेरा नल सेट का एग्जाम्पल था। नल सेट उसको कहते हैं कि जहाँ पे उसमें कोई अंदर एलिमेंट ही नहीं हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, खाली है, तो ये मेरा नल सेट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा मेरा कौन सा टाइप होता है। तो अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट और अदरवाइज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो जब नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वो मेरा फाइनाइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, यानी कि ये मेरा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। या a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंस नेचुरल नंबर हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा होगा, तो ये मेरा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं b इज इक्वल टू x सच दैट x इज पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ठीक है, एक लाइन पे कितना पॉइंट होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। या हम लोग लिख सकते हैं बी का, बी ले लेते, बी डैश लिख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज डे आफ्टर मंडे, ठीक है। तो मंडे के बाद कौन कौन सा दिन आ सकता है, तो मंडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर मंडे, यानी हम लोग काउंट कर सकते हैं, हमको पता है क्या है, ये मेरा फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टू सेट इज इक्वल, दैट इज द कार्डिनल नंबर, ये जो कार्डिनल नंबर है यहां पे ये, ठीक है, कार्डिनल नंबर यहाँ पे कार्डिनल नंबर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ सेट को हम लोग कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में होता है तो उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू ए बी C
सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये मेरा इक्विवेलेंट सेट हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, एलिमेंट नहीं सेम है, उसमें कितना नंबर है वो सेम है, ठीक है। ये मेरा इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल है, इक्विवेलेंट सेट का ये एग्जांपल दे रहा है, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट मेरा बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इक्वल सेट के बारे में पढ़ते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑल्सो नंबर ऑफ टू सेट्स आर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, देन द टू सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट। फिर से रिपीट करते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ टू सेट आर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर के रिस्पेक्टिव में, देन द टू सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट में क्या था मेरा, कि एलिमेंट प्रेजेंट इन टू सेट इज इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे एलिमेंट तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है, एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है ही, और एलिमेंट भी इक्वल है, तो ये मेरा इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। इसको हम इक्वल सेट का एग्जाम्पल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ रूम, ठीक है, और बी क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ मोर, एम ओ आर ई मोर, ठीक है। तो यहां पे ए सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, आर ओ एम ई, और यहां पे ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा, एम ओ आर ई, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं एम है, आर है, यहां पे आर है, ओ है, एम है, ई है, यानी एन नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है इसमें, और दोनों सेट भी एक दूसरे के बराबर है, यानी ए भी है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट यानी ए बिलोंग्स टू ए है, तो देन ए आल्सो बिलोंग्स कर रहा बी में, ठीक है। दोनों का एलिमेंट सेम है, नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो इसका मतलब होगा, एक ही मतलब हो सकता है कि सेट ए सेट बी के बराबर है। अब हम लोग सबसेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसेट का ये डिफिनेशन है, और सबसेट का हम लोग डिफिनेशन, सबसेट कहता किसको है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसेट कहते किसको है, ठीक है। तो पिक्टोरिकली समझ लेते हैं, तो कोई